everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. So, my dear class 9th students, your computer application. बुक वन सिक्स की शुरुआत हम कर चुके हैं जिसमें हमने अभी तक चैप्टर वन और चैप्टर टू को डिस्कस कर लिया है सारे वीडियो लेक्चर्स लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां से आप एक्सेस कर सकते हो और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थ्री के नेक्स्ट टॉपिक को दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बने रहना है क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट

सॉफ्टवेयर so होते क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर की जैसे हम बात कर रहे हैं अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट नोन नथिंग इट इटसेल्फ मतलब कि कंप्यूटर सिंपल एक मशीन होता है यदि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की बात कर लें

क्यों बोलते हैं हम इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर वो एंड में आपको वीडियो के डिटेल में पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है सो द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेज ट्रांसमिटिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेज चेकिंग सिस्टम कॉम्पोनेट कन्वर्टिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एक्सेट्रा इज नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके okay, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन होप आपको अब अच्छे से समझ में आई होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर software, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक्चुअली जितने भी कम्पोनेट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में चाहे कोई इनपुट यूनिट हो आउटपुट यूनिट हो स्टोरेज यूनिट हो या प्रोसेसिंग यूनिट हो अब यह हमें अच्छे से पता है कि कंप्यूटर सिस्टम इन चार यूनिट से मिलकर बनाए इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज है ना अब इनकी जो फंक्शनिंग है उन फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है इनपुट डिवाइस को कौन बताता है कि इनपुट सेंड करना है मेमोरी तक मेमोरी को कौन बताता है कि भाई आप

नहीं है तो कोई भी हार्डवेयर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा हार्डवेयर को कैपेबल करना है रन करने के लिए हार्डवेयर से काम करवाना है तो आपको यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं ठीक है सो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप है उसी के साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर भी होते हैं सो ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ये तीन सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं और आज की इस वीडियो में अगेन आई एम टेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज प्रोसेसर को और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे यदि एक ही वीडियो में मैं इन तीनों को समझा दूंगी तो वीडियो

है ना एक कंप्लीट सेट है कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करता है जो लेकिन मशीन इज अल्टीमेटली अ मशीन 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 तो एक ही होती है मशीन में जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा इन सारे हार्डवेयर को रन करने के लिए तब तक वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा किसी भी हार्डवेयर को रन करवाना है तो हमें उसे काम करवाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होगी राइट जैसे आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शन देता है है ना कि आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करो आपका ब्रेन आपका हार्ट आपको बताता है कि आपको फील करना है आपको क्या एक्शन लेना है ठीक है बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हर एक डिवाइस को जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड है उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है उन्हें वर्क करने के लिए बताता है ठीक है सो इन केस ऑफ कंप्यूटर्स यदि हम कंप्यूटर्स की बात करें सो इट इज़ आइदर अस इफ वी डू दैट और सम अदर विच अस तो कंप्यूटर सिस्टम में या तो हम किसी काम को करें या फिर उस काम को करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में कुछ हो तो so, ये जो सम अदर है ना ये सम अदर कुछ नहीं है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है सो दिस सम अदर इज नथिंग बट आर वेरी ओन ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बात समझ में यदि आप चाहते हो कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं आप चाहते हो कि कीबोर्ड से जो आप एंटर कर रहे हो वो मॉनिटर पे दिखे आप चाहते हो कि आपने मॉनिटर पे यदि कीबोर्ड से टू प्लस टू लिखा है तो उसका आंसर फोर कैलकुलेट होके शो हो तो इस इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करवाने के लिए इन इंस्ट्रक्शन को सही जगह पर प्रोसेस करवाने के लिए आउटपुट के लिए हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज करते हैं जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओ आई ओ एस एप्पल एंड्रॉइड लिनेक्स ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम आपने सुने भी होंगे हंड्रेड परसेंट मीन्स जब भी आप अपना कंप्यूटर परचेज करते हो या असेंबल करवाते हो तो आपने सुना होगा कि सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, वो कोई और मैक आईओ सिस्टम है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाते हो आपके फोन में एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉय ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आ रही ना बात समझ में इसी की तरह बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइक ब्लैकबेरी एंड ऑल ठीक है सो जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो विंडोज है लिनक्स है एप्पल है मैक आईओएस एस है जो पॉपुलरली यूज किए जाते हैं सिस्टम में ठीक है सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक आर सेक्रेटरी अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप और कैसे समझ सकते हो एक एग्जाम्पल से जैसे कंपनी में बॉस होता है बॉस के अंडर सेक्रेटरी होता है ओवरऑल काम किसका होता है सेक्रेटरी का होता है सेक्रेटरी ही हर तरीके से सब चीजों की प्लानिंग करना बॉस को बताना कब किस काम को करना है कैसे करना है कैसे मीटिंग वगैरह फिक्स की मेन रोल होता है बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर का सेक्रेटरी होता है जो कंप्यूटर में हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है एज द बॉस गिव्स ऑर्डर टू हिज सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी डज ऑल वर्क फॉर हिज बॉस जैसे कि बॉस की तरह आप ऑर्डर देते हो अपने सेक्रेटरी को किसी भी काम को करने के लिए है और सेक्रेटरी उस काम को इजीली करता है बिल्कुल वैसी एज ए यूजर हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं कि यह काम करना है और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही सेक्रेटरी है जो कि उस काम को करता है आ गई बात समझ में अच्छे से सो so, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के बीच में सो द सेक्रेटरी हिमसेल्फ डिसाइड्स हाउ टू डू वॉट टू डू वेन टू डू एक्सेट्रा जैसे यहाँ पे सेक्रेटरी खुद डिसाइड करता है कि भाई ये ऑर्डर हमें बॉस से मिला है तो उसको अब कैसे करना है कब करना है किस तरीके से करना है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि यूजर ने ये इंस्ट्रक्शन दी हैं यूजर ने ये इंस्ट्रक्शन दी है तो अब इसको कैसे सिस्टम तक एग्जीक्यूट करवाना है कैसे प्रोसेसर तक पहुँचाना है प्रोसेसर कैसे एग्जीक्यूट करेगा फिर कैसे आउटपुट डिस्प्ले करवाना है

कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा कैसे होगा ये सब चीजें का ही काम होता है, है। तो इसका नाम रखा डिवाइस ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर डिवाइस नहीं ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है सो द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अब बहुत ध्यान से इस को समझना जो मैं बताने वाली हूं कि प्राइमरी गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस्ट टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज कि कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज करना है ना यूजर कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज़ कर सके ये उसका प्राइमरी गोल है कौन सा गोल है प्राइमरी गोल है अब यदि हम इसके सेकेंडरी गोल की बात करें तो सेकेंडरी गोल क्या है सेकेंडरी गोल इज़ टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशियंट मैनर कंप्यूटर सिस्टम का कन्वीनियंटली यूजर यूज़ कर सके और हार्डवेयर एक एफिशिएंट मैनर में काम करें ये दो काम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के

खराब होता है तो वो इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट भेजता है आपको मैसेज बॉक्स में दिखता है जिसके थ्रू आप हार्डवेयर को रिपेयर कर सकते हो और फिर उसको सही कर सकते हो सो so, आगे बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ठीक है अब कैसे कैसे करता है ये सब काम तो इसके लिए अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं अब ये एग्जाम्पल यदि आपको समझ में आ गया ना तो इसके दोनों जो गोल हमने देखे अभी प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल कंप्यूटर को यूज करना कन्वीनियंटली और कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर से वो एफिशियंट मैनर में काम कर सके ये आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को, को समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है सो लेटस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक मिस्टर ए हैज़ सेक्रेटरी नेम्ड मिस बी मिस्टर ए के पास एक सेक्रेटरी है जिनका नाम मिस बी है ठीक है मतलब मिस्टर ए बॉस है और मिस बी उनकी सेक्रेटरी है सो मिस्टर ए ऑर्डर्स मिस बी टू डू दी फॉलोइंग मिस्टर ए ने बॉस ने मिस बी को ऑर्डर किया कि आपको कुछ काम करना है अब क्या ऑर्डर हैं क्या टास्क उन्होंने दिया है वो टास्क इस तरीके से डिफाइन है वन बाई वन हम सारे टास्क को डिस्कस कर लेते फर्स्ट कॉल मिस्टर एक्स टू फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद हिम पहला उन्होंने टास्क दिया है कि मिस्टर एक्स को कॉल करो अपॉइंटमेंट फिक्स करो ठीक है दूसरा काम फ्रेम अ लेटर इन रेस्पॉन्स टू क्वेरी मेड बाय मिस्टर जी ठीक है एक आपको लेटर क्रिएट करना एक लेटर फॉर्म करना है जिसमें आप रिस्पॉन्स करोगे मिस्टर जी के द्वारा दी गई क्वेरी का तो लेटर बनाना है ठीक है अपॉइंटमेंट फिक्स करना है रिजर्व रिजर्व सीट सीट इन सेमिनार टेकिंग प्लेस ऑन मार्च 13 2016 seat को करना है एक सेमिनार के लिए जो 13 मार्च को होने वाला है ठीक है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स टुमारो कल की जो भी अपॉइंटमेंट्स है उनके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करना है फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट ए जीरो नाइन वन एक ए जीरो नाइन वन का प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस पता करना है ठीक है सो कुल मिला के ऐसे काम मिस बी सेक्रेटरी को मिस्टर ए बॉस ने ऑर्डर किए हैं और भी है ठीक है? So, है, है, है ना? वो capable है, है है, अब जो वो वो ना? जितने भी टास्क जितने भी ऑर्डर ने, ने दिए हुए हैं वो हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल है नोटिस दैट अब आपने क्या नोटिस किया इन सभी टास्क में भाई बॉस ने ऑर्डर दिए सेक्रेटरी ने सुने माने उसने काम किया अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की होगी क्या नोटिस दैट फॉर ऑल दी ऑलवेंशन थिंग्स जितनी भी थिंग्स अभी हमने देखी उसमें मिस्टर ए हैज डायरेक्टेड किया है इंस्ट्रक्ट किया है ऑर्डर दिया है मिस बी को बट मिस्टर एक्स हैज नॉट टोल्ड और इंस्ट्रक्टेड मिस बी अबाउट उन्होंने ये नहीं बताया है कि उसे ये सारे काम कैसे करने हैं उन्हें बस इतना बताया है ऑर्डर दिया है कि भाई ये ये सारे काम करने हैं इंस्ट्रक्शन दिए बट ऐसे नहीं बताया है ही हैज नॉट टोल्ड और इंस्ट्रक्टेड टू मिस बी अबाउट दिस आई बात समझ में कुछ समझ में आया क्या समझ में आया कि इतने जितने भी काम दिए हैं इतने जितने भी ऑर्डर दिए हैं बॉस ने सेक्रेटरी को वो सभी काम को सिर्फ ऑर्डर दिया, दिया है इंस्ट्रक्शन दिया है बट ये नहीं डिफाइन किया है कि इसे कैसे करना है ठीक है सो हाउ टू कॉल मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स को कैसे कॉल करना है ये नहीं बताया लेटर फ्रेम करना था वो लेटर कैसे फ्रेम करना है हाउ टू फ्रेम अ लेटर हाउ टू रिजर्व अ सीट इन अ सेमिनार सेमिनार के लिए सीट कैसे रिजर्व करना है ये भी नहीं बताया हाउ टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट जो कल की अपॉइंटमेंट की लिस्ट बनानी है वो कैसे प्रिपेयर करना है वो भी नहीं बताया हाउ टू फाइंड अ प्रोजेक्ट स्टेटस एंड एक्सेट्रा ये जितने भी काम दिए थे ये कैसे करना है ये नहीं बताया बस ऑर्डर दिया है कि आपको ये सारे काम करने हैं आई बात समझ में। अब इसका क्या मतलब हुआ दिस मींस समवेयर डाउन द लाइन मिस्टर को पता है कि सारे काम किस तरीके से करना है कैसे लेटर को फ्रेम करना है कैसे सीट लिस्ट प्रिपेयर करना है, है अपॉइंटमेंट्स की जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछते हो या आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हो कि आपको ये सब काम करना है जैसे हमने बोला कि फाइल कॉपी करना है फोल्डर कॉपी करना है फाइल ओपन करना है इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है इसे डिलीट करना है उस वेबसाइट पे जाना है ठीक है तो ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से करता है उसे पता होता है कि इसके लिए उसे क्या करना है आई बात समझ में सो सिमिलरली व्हेन यू आस्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू थिंग्स लाइक कॉपी डिलीट और टाइप ठीक है एक्सेट्रा यू अज्यूम दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम नोज हाउ टू परफॉर्म तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि किस तरीके से कॉपी डिलीट और टाइप करना है आई बात समझ में सो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज नो ऑल दिस थिंग्स एंड इट गेट्स द राइट वर्क डन फ्रॉम दी हार्ड तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता है कि ये सब काम किस हार्डवेयर से कैसे करवाना है सो ऑपरेटिंग सिस्टम थिंग्स एंड इट गेट्स करके देता है सही हार्डवेयर के साथ सो justified इज जस्टिफाइड टू से गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम convenient टू यूज एंड सेकेंडरी गोल इज टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन efficient मैनर तो बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यह पता होता है कि यूजर ने कोई भी ऑर्डर दिया है यूजर ने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है यदि कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम को तो कैसे उसके लिए काम करेगा और कैसे सारे हार्डवेयर सही तरीके से उसके काम को करने के लिए कैपेबल है या नहीं है सो so, होप आपको अब इस से बहुत अच्छे से समझ में आया है तो यहाँ पर हम बात करें सेक्रेटरी की तो वो सेक्रेटरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सब चीजें पता है कि, कि किस तरीके से इन सभी ऑर्डर को फुलफिल करना है और अपने बॉस का काम को पूरा करना है और बॉस एक तरीके से यूजर है आई बात समझ में अच्छे से कि कंप्यूटर सिस्टम में जो ओवरऑल वर्किंग होती है हर किसी डिवाइस की चाहे वो कोई इनपुट डिवाइस हो आउटपुट डिवाइस हो स्टोरेज डिवाइस हो प्रोसेसिंग हो कोई भी को कोई भी भी टास्क टास्क को 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 प्रोसेस करवाना है हर एक काम ऑपरेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है एन ऑपरेटिंग कॉम्पोनेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर कॉम्पोनेट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वही लाइन लिखी हुई है कि जितने भी अदर कॉम्पोनेट्स होते हैं चाहे फिर वो कॉम्पोनेट आपके कोई इनपुट डिवाइस हो लाइक की बोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर मतलब आउटपुट डिवाइस हो स्पीकर मोनिटर प्रिंटर कोई डिवाइस हो या फिर कोई स्टोरेज डिवाइस हो स्टोरेज डिवाइस में आपके क्या आ जाएंगे हो, जैसे ALU, CU, CPU, RAM, सब चीजों को बेसिकली ऑपरेट करने का काम किसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है सारा मैनेजमेंट एक्चुअली कौन करता है कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. So, कौन -कौन से है जिसके नाम मैंने अभी लिखे

तो वो इन चार कंपोनेंट्स से ही मिलकर कंप्लीट होता है आ गई बात समझ में मतलब एक्चुअली देखा जाए जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम है जिस पे आप वर्क कर रहे हो अपने आउटपुट को एक्सेस कर पा रहे हो तो वो बेसिकली यही कंपोनेंट्स होते हैं क्लियर सो वेयर हार्डवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिसमें हार्डवेयर आपको क्या प्रोवाइड करता है बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपको वे बताते हैं कि किस तरीके से आप सोर्सेज को यूज कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो कंप्यूटिंग डिवाइसेस का यूज कर सकते हो सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रूटीन्स डिफाइंस द वे इन व्हिच दीस रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द यूजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ द हार्डवेयर अमंग द वेरियस एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स फॉर द वेरियस यूजर्स सो होप आपको यहां पे अब अच्छे से हार्डवेयर डिवाइसेस एप्लीकेशन जो भी सिस्टम्स सॉफ्टवेयर से वो और साथ ही यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम अच्छे से समझ में आ गया है सो so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसके थ्रू आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या वर्किंग होती है कैसे काम करता है कैसे एक तरीके से एक मैनेजर एक सेक्रेटरी का काम हम बोल सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कंप्यूटर में होता है राइट right? सो so सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होना बहुत जरूरी है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है जो ओवरऑल सिस्टम को ऑपरेट करता है सिस्टम के सारे डिवाइसेस को सारे सॉफ्टवेयर को यूज करता है बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में समझने वाले हैं मैग्नेट ब्रीन आपको ना सिर्फ के ट्वेल्व बल्कि सीबीएसई मीडियम स्पोकन इंग्लिश ओलंपियाड यूपी बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवाता है हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन यदि आप यहाँ पे नोट्स ई नोट्स बुक्स इन ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसे एक्सेस कर सकते हो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है रिसेंट अपडेट के लिए तो आप फेसबुक इंस्टा ट्विटर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ड्रींस की वीडियो लेक्चर्स आपको ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि मैग्नेट ड्रीन वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू भी हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं कितनी भी बार आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो साथ ही साथ अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव अच्छा कर सकते हो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ टिल देन स्टेयर स्टेपी थैंक यू सो